अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे जितने भी भाई हों, जितनी भी बहनें, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड के कुछ आज टेक्निकल एनालिसिस कुछ ये दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है और एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास। और अगर हम सेलिंग देख सबसे पहले हम बाइंग देखते हैं ना। बाइंग सिनेरियो हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। बाइंग सिनेरियो का पहला चांस क्या है? बाइंग सिनेरियो का पहला चांस ये है हमारे पास कि मार्केट 1806 पे आके 1806 से दोबारा बुलिश हो जाए। सही है, अगर इसको ब्रेक नहीं करती 1806 को आते के साथ, अगर इधर बाइंग की कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दे। सही है, हैमर और डॉजी टाइप की कोई कैंडल अगर इधर बनाना स्टार्ट कर दे तो हम यहाँ से एक छोटी लॉट की बाई ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी लॉट की। सही है, इस एरिया से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का थर्ड टच भी होगा। सही, अगर फौरन ही ब्रेक कर देता है, हम कैंडल की बॉडी कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे, डायरेक्ट एकदम से नहीं लेना। न्यूज़ेस आज काफी सारी हैं। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, नॉन फार्म पेरोल है, और उसके अलावा ये सारी न्यूज़ेस हैं। और भी अर्निंग्स की भी एक न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट आज काफी वॉलेटाइल होगी। मार्केट आज मैं आपको ये बता दूं, बाय में भी जाएगी, सेल में भी जाएगी। सही है, और अगर वन साइड कोई भी न्यूज पॉजिटिव आ गई, सारी एक तरफ पॉजिटिव, डॉलर के अगेंस्ट डॉलर के पॉजिटिव आ गई सारी न्यूज जो हैं। सही है, तीन चार वो न्यूज अगर सारी डॉलर के पॉजिटिव आ गए, गोल्ड बहुत बड़ी सेल दे देगा। और अगर सारी नेगेटिव आ गई, गोल्ड एकदम से बुलिश हो जाएगा, जो कि सारी एक जैसी तो आना मुश्किल है। अलग अलग आएंगी कुछ, और अलग अलग जैसे आएंगी तो गोल्ड बाय, पहला मूव गोल्ड का हो सकता है बाइंग में आए, और दूसरा मूव हो सकता है गोल्ड का सेलिंग में आए। सही है, ये दो मूव एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, मैं आपको टेक्निकल एरियाज बताया तो टेक्निकल एरिया एक ये है हमारे पास सेलिंग के लिए 1725 का। सही है, और एक हमारे पास वो 1817-1725 एक एरिया है ना। तो और दूसरा हमारे पास बाइंग का एरिया जो है वो है 1853 का एरिया। सही है, यहाँ से हम देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन, उसके वैसे एकदम से कैंडल लेंगे। एक और हमारे पास एरिया है 1800 का बाइंग का, लेकिन हम यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो यहाँ से हमें सेल ले लेनी है, बिना सोचे समझे हमें यहाँ से सेल ले लेनी है। सही है, सेल का हमारा टारगेट होगा पहला 50 पिप का, दूसरा 100 पिप का, तीसरा टारगेट 200 पिप का। सही है, ये हमारा सेल का टारगेट होगा। अच्छा, बाइंग का हमारा क्या टारगेट होगा? बाइंग का हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का, 1823 तक का। 1823 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास 1830 तक का, 2930 तक का हमारे पास टारगेट आ रहा है ना। सही है, 1829 टू 1830 तक हमारा बाय हम होल्ड करेंगे, उसके बाद हम बाय क्लोज कर देंगे। ज्यादा लंबी लालच नहीं करनी। हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा मूव दे दे, लेकिन अपना लिमिटेड अमाउंट लेना है और मार्केट से एग्जिट लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे इंडिकेटर क्या बता रहा है। नया चार्ट खोलते हैं, नए चार्ट पे देखते हैं इंडिकेटर क्या बता रहा है हमारा। जी चले, हम आ जाते हैं हमारा इंडिकेटर क्या बता रहा है। हमारे इंडिकेटर ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी एरिया से, कल इंडिकेटर ने हमें यहाँ से दी थी सेलिंग, आज इंडिकेटर फिल वक्त हमें यहाँ से सेल दे रहा है। यहाँ से इंडिकेटर ने आज के दिन में वैसे हमें कितना टारगेट दे दिया है हमारा, यहाँ पे हमने एक दफ़ा सेल ली, हमें 27 पिप दिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ से दोबारा सेल ली, हमें दोबारा सेल ली, हमें 24 पिप दिए इस तरीके से। और यहाँ पे अब जो हमने दोबारा ट्रेड ली तो हमें तकरीबन 5 पिप मिले ना, तो तकरीबन कोई 50 पिप की तो सेलिंग दो दफ़ा दे चुका है। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बाइंग की कैंडल बनना लाजमी। यहाँ पे बाइंग की कैंडल बन गई थी, ये वाली कैंडल क्लोज हुई बाइंग की, ये वाली कैंडल भी क्लोज हुई बाइंग की। ये देखें, कल जो मार्केट आई थी यहाँ से फिर मार्केट सेल हुई। अच्छा, अभी जो है यहाँ की बाइंग की कैंडल बनी थी, कल की सिचुएशन बता रहा हूँ। उसके बाद मार्केट देखें, यहाँ से भी हमें 45 पिप मिले। अब हमारे पास वही एरिया आ रहा है यहाँ पे भी 1806 का, लेकिन हम कैंडल्स को लाजमी देखेंगे, कैंडल्स की बॉडी को लाजमी देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग को लाजमी देखना है। अगर कैंडल्स की क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे तो लॉस उठा लेंगे। कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सही है, अच्छा ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें 1817
16 के लॉन्ग ब्रेकआउट, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो ये हमें लॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है, मतलब बाइंग दिखा रहा है हमें। सही, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो हमें बाइंग दिखा रहा है। सही, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये दे दे रहा है 1822 का, अपना टारगेट दे रहा है ये, बाइंग का टारगेट दे रहा है 1822 का और सेलिंग का टारगेट दे रहा है ये 1797 का। सही है, और जैसे कि मैंने आपको 85 का लेवल बताया, 85 पे ये अपनी सपोर्ट्स भी दे रहा है। सही है, तो ये हमारे कुछ एरियाज हैं, इस तरीके से ये इंडिकेटर हमें ये प्रेडिक्ट कर रहा है। लेवल्स ये रोज चेंज होता है, रोज लगता है, रोज ये अपने लेवल चेंज करता है, लेकिन इसमें हमें कैंडल्स की रिएक्शंस और कैंडल फॉर्मेशन देखनी होती है। अगर हम ऐसी आंख बंद करके कर लेंगे तो हमें नुकसान करेंगे। थोड़ा देखना, थोड़ा दिमाग लगाना है, वो बात है, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, बस थोड़ी सी अकल लगानी है और प्रॉफिट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। चलें, आज वैसे मशवरा ये होगा, छोटे अकाउंट होल्डर्स और जो इन जिन लोग का अच्छा हाथ सेट नहीं है मार्केट पे, मार्केट में एंट्री ना लें, लॉस करेंगे। सही है, जिनका मार्केट में अच्छा हाथ सेट है तो वो चीज़ें देखें, देख के ट्रेड करें और इंजॉय करें। सही है, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।